ओम शांति। मुरली का तारीख है 23/11/2020। मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न, बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर, जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते या बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे, तुमने यहाँ किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं? बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत दूर देश का रहने वाला, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता वहां तुम मात पिता, फिर से आकर हमको सुख गनेरे दो। हम दुखी हैं या सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता है। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं है। यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं। शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि है कहां भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहां से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? इसीलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया है। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर राजाई स्थापन की होगी। बाप कैसे आते हैं या तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगा। दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कोई लाइट वहां रत्न जड़ित ताज है नहीं, वहां कभी राजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं, हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक है। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे, जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे। तुम गृहस्थी वहां सन्यासी तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वहां सन्यासी माता मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं तो तुम फिर फॉलोअर क्यों कहते हो?
फालोर तो वहां जो जट कपड़ा उतार कफनी पहन ले, तुम तो गृहस्थ में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर्स कैसे कहलाते हो? गुरु का तो काम है सदगति करना, गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए, तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल, शरीर है पांच तत्वों का बना हुआ, आत्माएं कहां से आती है? परम धाम निराकारी दुनिया से, वहां बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, वहां आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है, हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले, यहाँ यह नाटकशाला है जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां है, कोई गिनती करना सके कि यह नाटकशाला कितने माइल्स की है? एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए, इतना दूर नहीं जा सकते, वहां समझते हैं इतने माइल तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे, समुद्र का वह आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते, अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं, आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है, कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएगी तो फिर रॉकेट मिसाल तुम उड़ने लग पड़ेंगे, कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं, दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे देखने में आते हैं, है तो बहुत बड़े, जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है, सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है, किसी का कर्म का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी, सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, बच्चा गर्भ से निकला और मालिक बना, वारिस हो ही गया, तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए, बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्टर ही पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बनेंगे, यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो, अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे, फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, तुम जानते हो बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, वो गॉडफादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी, गॉडफादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना, अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते हैं, कांटों को आकर फूल बनाते हैं, कांटों से आकर फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया हुआ है इस देश पर, आए दूर देश का रहने वाला, आए देश पर आए दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहां रहती हैं, यहाँ फिर पार्ट बजाने आती है, देश पर आए या अर्थ कोई नहीं जानते हैं, मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वहां सत सत करते रहते हैं, तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापिस जा नहीं सकती, पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है, उनको आना भी है संगम पर, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं, इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं, बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूं, मैं आता ही हूं एक बार पराये देश पराये शरीर में, या दादा भी कहते हैं मैं शिव तोड़े ही हूं, मुझे तो लक्की राज कहते थे, फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा, इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना, वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं,
जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, 84 लाख जन्मों का राज समझाने में ही सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं, मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर तोड़े ही नॉलेज समझ सकते हैं, तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में, माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है, अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। नंबर वार तो होते है ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की, रात को जब सोते हो तो भी यहाँ ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं, गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो फिर देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं होना है। बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे, हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापिस जाने का समय कहाँ आया है, हाँ साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का जाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, नहीं उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता है तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम, सब आत्माएं पार्ट बजाने से मुक्त हो जाएगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके, बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली तोड़े ही गई, वैकुंठ तो सत्युग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए, बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं, सर्व की सदगति करते हैं। विनाश भी सामने कड़ा है, बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वहां आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती है। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। या लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मूसलों द्वारा हुआ था, महाभारत लड़ाई भी लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं, बाप ही तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो, यह है ज्ञान डांस। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन है उनको ही सामने बैठना चाहिए, जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं या कुछ भी समझते नहीं, ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है, जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठना चाहिए, उनको खुशी होती रहेगी, हमको भी डांस करना है, यह है ज्ञान डांस। कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया, मुरली तो या ज्ञान की है ना, तो बाप ने समझाया है। रात को सोते समय बाबा को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो, बाबा हम अब इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं। ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है आगे।
कब्रस्तान बनाते थे, फिर कोई शांति में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे, तो बाप को जानते ही नहीं तो याद कैसे कर सकेंगे? जो बाप को नहीं जानते तो वह याद कैसे कर सकेंगे? मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें? तब बाप कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है? तुम हो गुप्त वारियर्स। वारियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वारियर्स हो योग बल के, योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से बल कोई कितना भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है या बाप ही आकर सिखलाते हैं या भी किसी को पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है, योग अक्षर उड़ा दो। बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। शुबाबा कहते हैं, मामे कम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मुझे याद करने से तुम सतो प्रदान बन जाएंगे। जब सतो प्रदान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्कियों की बारात होती है ना, यह है शुबाबा की बारात। शुबाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। सेकंड पॉइंट, पांच विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अतः खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का काता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भवा। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि या व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ एक सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ एक सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसीलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर हर कर्म करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। अच्छा, ओम शांति।